आरती पांडे, रीना टंडन। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हूँ तो लखीमपुर खीरी की, शादी के बाद लखनऊ आ गई, यानी अवध क्षेत्र में ही हूँ। ये यूपी को बिलोंग करते हैं? ये पारंपरिक रचनाएं हैं, 100, 200, 250 साल पुरानी। हमारी मान्यता यहाँ पर ये है कि 50 साल से पुराना अगर गीत हो जाता है तो उसको हम पारंपरिक रचनाओं में डाल देते हैं। तो ये रचनाएं जो हैं 100, 200 साल पुरानी हैं। मेरी अम्मा दादी लोग सब लोग गाती थी। सोन चिरैया ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्ष हैं मालिनी अवस्थी, वो इसको प्रमोट कर रही हैं कि लोकगीतों जो लुप्त प्राय विधा है उसको सामने लाने के। रीज़न है ये कि हमारी जो फोक है, जो हमारी वो गांव की धरोहर है जी, वो सब जगह वो प्रचारित हो, क्योंकि इसमें हमारा सब संस्कार दिखाई पड़ता है और बच्चे उस चीज़ को जाने, हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है इस चीज़ से परिचित हो, इसलिए इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। कि जन्म के समय क्या होता था, शादी ब्याह में क्या क्या प्रथा होती थी, किस किस तरह से हम उसको करते हैं। ये सब लोग परफॉर्म करते हैं भाई, अपने घर में ही आपके इतने संस्कार होते हैं, घर में फंक्शन होते हैं, उसमें भी तो ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि हम मंच पे ही कार्यक्रम प्रस्तुत करें। और सारी बातें इन गानों में ही रहता है, इस गाने का लिटरेचर बहुत ज़्यादा रिच है। अब इन्होंने ये संस्था बनाई है कि इसके द्वारा हम पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में हम इसको बढ़ाएंगे लोकगीत। क्योंकि ये जो माटी से जुड़ा हुआ चीज़ है उसको सब लोग जाने, केवल आजकल अंग्रेजी का जो प्रचलन चल गया है उसको वो भी जाने, लेकिन अपनी जो मूल चीज़ है उसको जानने के लिए सब लोग। उसका हमने पेपर में भी निकाला था कि यहाँ नंबर्स दिए थे कि आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिसको नहीं पता है वो SNA में आए। 2 से 4 यहाँ पर डेली 15 मई तक चलेगी वर्कशॉप, तो आके कांटेक्ट कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से 16 संस्कार हमारे यहाँ हैं, 16 संस्कार होते हैं, सारे संस्कार गीत होते हैं हमारे यहाँ, जन्म से लेके मृत्यु तक।